अगर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के व्यंजनों की बात ही अलग होती है, जिसका जोड़ पूरे देश में कहीं नहीं मिल पाता। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बिहारी जायका में बात करने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे मीठे व्यंजन की जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक खाना पसंद करते हैं। यह व्यंजन मौसम आधारित एक विशेष मिठाई है जो कि आम तौर पर बरसात में या कहे तो सावन के महीने में मिलने वाला पकवान है। इसका ऊपरी भाग कुरकुरा तो अंदर का भाग नरम होता है। यह बिहार की पारंपरिक और सबसे पुरानी व्यंजन है। इस व्यंजन को आम भाषा में चावल का बिस्कुट भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस मिठाई को बनाने में काफी कठिनाई होती क्योंकि कभी इनमें जाली नहीं आती तो कभी ये घी में बिखर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मगध में मिलने वाली अनरसा की। भले ही आज के समय में यह देश के कई हिस्सों में मिलता हो, लेकिन इस बिहारी टेस्ट की पहचान पटना, नालंदा, गया, नवादा और जहानाबाद जिले से ही है। अनरसा एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। बता दें कि इस पकवान को दीपावली के विशेष अवसर पर बनाया जाता है। अनरसा खाने में मुलायम लेकिन ऊपर से कुरकुरा और सौंधे होने के कारण इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने में चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। जब आप अनरसा को खाएंगे तो टेस्ट में चावल का स्वाद जरूर आएगा, लेकिन वह स्वाद माइंड ब्लोइंग होता है जो बार बार खाने का मन करता है। अगर इसके आकार की बात करें तो यह गोल चपटा आकार का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सासाराम शहर सेसासुरी के लिए प्रसिद्ध तो है ही, इसी के साथ सासाराम शहर मुख्य रूप से इस मिठाई यानी कि अनरसे के लिए भी खूब फेमस है। इसके साथ ही गया भी अनरसा के लिए काफी फेमस माना जाता है। अनरसा का भी निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। एक चावल का आटा का बना सामान्य अनरसा होता है और दूसरा खोआ या मावा से बना अनरसा होता है, जिसे लोग मावा अनरसा भी कहते हैं। इस मिठाई को अगर भींगे हाथों से ना छुआ जाए तो इसे दो हफ्ते तक रखा जा सकता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इससे जुड़ी एक बहुत पुरानी धार्मिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि जब पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए पूजा अर्चना की थी, तब उन्होंने अनरसा ही प्रसाद के रूप में भगवान शंकर को अर्पित किया था। लोगों का ऐसा मानना है कि गया के टिकारी महाराज अपने किलों में विशेष कारीगरों से अनरसा का निर्माण करवाते थे। उस समय अनरसा का स्वरूप दूसरा हुआ करता था। अनरसा मोती की जगह पतली होती है और साथ ही उसके बीच छेद हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया और आज यह पूरी तरह गेंद के आकार का बन गया है, जिसके अंदर खोआ भरा होता है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि चावल के आटे में नमी खींचने की ताकत होती है और अनरसा बनाने में चावल के ही आटे का उपयोग किया जाता है। अनरसा बारिश के मौसम में ही बनाया जाता है और उस समय यह वातावरण से बाहर की नमी को खींच लेती है, जिसकी वजह से यह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद हो जाता है। चलिए अब हम अनरसा से जुड़ी कुछ फायदे की बात बताते हैं जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है। अनरसा का निर्माण चावल के आटे से किया जाता है और चावल का आटा खाने से डार्क सर्कल की समस्या को दूर होती है, मुहासे खत्म होते हैं और साथ ही चेहरे पर भी ग्लो आती है। चावल का आटा लीवर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। चावल के आटे में कोलिन की मात्रा पाई जाती है जिससे लीवर स्वस्थ रहता है, साथ ही लीवर संबंधी कोई बीमारी भी नहीं होती है। अनरसा में सफेद तिल का भी प्रयोग किया जाता है और तिल में सेस्मिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। अपनी इस खूबी की वजह से ही यह लंग कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका को कम करता है। वहीं अगर हम खोआ या मावा वाला अनरसा खाते हैं तो खोआ से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। यह हृदय के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यह हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे बालों को सुंदर बनाता है। अनरसा में आमतौर पर कम चीनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे चीनी से पीड़ित व्यक्ति भी खा सकते हैं, पर कम मात्रा में, जितनी की उनके सेहत के लिए ठीक हो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बिहारी जायका में बिहार के एक ऐसे ही व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।